तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मतदान होने के बाद अब ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखकर उनकी निगरानी की जा रही है और इसके लिए हर जगह सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम को 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। पहली लेयर में सीआरपीएफ, दूसरी लेयर में आर्मी फोर्स और तीसरी लेयर में पुलिस की व्यवस्था रहेगी। देहरादून में बने स्ट्रांग रूम का डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जायजा लिया और अफसरों को कई निर्देश दिए। देखिए, स्ट्रांग रूम का भी मैंने जायजा लिया और आज 11 बजे स्क्रूटनी की गई आरओस ऑब्जर्वर्स के द्वारा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस रहता है, अगले दिन स्क्रूटनी की जाती है, वो भी कार्रवाई यहाँ पे संपन्न हुई। बाकी हमारे 6-7 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम सभी सील कर दिए गए हैं ऑब्जर्वर्स के प्रेजेंस में। अभी फिलहाल सिर्फ चक्राता के जो 121 पोलिंग बूथ्स थे जो 12 तारीख को रवाना हुए, वो अभी निकल चुके हैं पोलिंग बूथ से अपने, और वो रास्ते में हैं, वो उनका आना बाकी है। बाकी अदरवाइज़ बाकी सभी विधानसभाओं के जितने भी पोलिंग बूथ्स के जो पोलिंग पार्टीज रवाना हुई थी, सब वापस आ गए हैं। और जहाँ तक स्ट्रांग रूम के प्रोटेक्शन की बात मैं कहूँ, 3 लेयर्ड सिक्योरिटी है। जो इनर मोस्ट स्ट्रांग रूम है उसका गार्डिंग सेंट्रल पुलिस फोर्सेस ये लोग कर रहे हैं, और बाहर के जो 2 कॉर्डन हैं वो स्टेट पुलिस द्वारा और स्टेट आर्म्ड पुलिस द्वारा मैन किया जा रहा है। और ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ राजधानी देहरादून से जुड़ चुकी हैं हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर डॉक्टर आर राजेश जो डीएम हैं उन्होंने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया है। स्ट्रांग रूम का जायजा लेने के बाद क्या स्ट्रांग रूम की सुरक्षा से वो पूरी तरह संतुष्ट नजर आए? आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ पर मतदान हो चुका है, मतगणना 10 मार्च को है, तो 10 मार्च तक ईवीएम को सुरक्षित रखना और उससे बड़ी कि ईवीएम को लेकर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी संतुष्टि पुलिस प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि आज खुद डीएम, जिन्हें कि जिला निर्वाचन अधिकारी का रोल प्ले करना होता है, उन्होंने पूरा जायजा लिया। देहरादून के रायपुर स्टेडियम में ये स्ट्रांग रूम बनाया गया है, यहीं पर काउंटिंग भी होगी और यहीं से पोलिंग पार्टियां रवाना भी हुई थी। 3 लेयर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो न सिर्फ देहरादून में है बल्कि 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में है। जहां भी स्ट्रांग रूम बने हुए हैं जिलों में, वहां पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जा रही है। जो राजनीतिक दल हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। सीसीटीवी के माध्यम से 24/7 पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। राजनीतिक दल चाहें तो अपने प्रतिनिधियों को समय समय पर वहां भेज सकते हैं, चीजों की जानकारी जुटा सकते हैं। अर्धसैनिक बलों को खास तौर पर डिप्यूट किया गया है स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए, और मकसद यही है कि जहां अभी तक निष्पक्ष मतदान हुआ है वहीं मतगणना तक भी सारी चीजें एकदम चाक चौबंद रहें। और इसी चाक चौबंद को करने के लिए चुनाव आयोग भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, और जो जिला प्रशासन है जिसको कि जिला निर्वाचन की भूमिका निभानी होती है, उसने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। देहरादून हो या हरिद्वार हो या पिथौरागढ़ हो, नैनीताल जिले की हल्द्वानी में मतगणना होगी, वहां पर भी इसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं। अनुज जी, जोशना तमाम बातचीत